वी आर डिस्कसिंग नाउ अ कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम। टिपिकली ये एक हॉपर है, इसमें से सैंड का हील बेल्ट पे गिर रहा है। ये बेल्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इसे चलाते रहना चाहते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि सैंड इज फॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट dm बाई dt ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बेल्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u। तो बेसिक बात यह है कि जो सैंड इसमें हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। और फिर ये भी क्लियरली देखना चाहिए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं है, पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व। अभी क्या हो रहा है, शुरू में ये जो सैंड गिर रही है बेल्ट पे, ये mg फोर्स लगा रही है। तो इस सैंड पे या इस बेल्ट पे सैंड के वेट के कारण एक वर्टिकल फोर्स आ रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हम शायद बाद में लगाएंगे, सैंड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो सैंड यहाँ गिर रही है उसका इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो आप फिर भी थोड़ी बहुत वेलोसिटी मान सकते हैं, वर्टिकली ये गिरी है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले जीरो है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सैंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द आई ऑफ सैंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। सैंड का इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें सैंड के पार्टिकल्स और बेल्ट के पार्टिकल्स में कुछ इंच तनाव होता है, कुछ इंटरनल फोर्सेस यहां काम करते हैं, और थोड़ी देर के रस्साकसी के बाद सैंड पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। आफ्टर सम टाइम सैंड पार्टिकल्स ऑल्सो, मतलब हम वेलोसिटी मेंटेन कर रहे हैं, सपोज हम फोर्स मेंटेन कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स वगैरह यहाँ कुछ लगा रहे हैं और इसी तरह वेलोसिटी मेंटेन कर रहे हैं, बेल्ट की वेलोसिटी मान लेते हैं इसमें चेंज नहीं हुई, टेंडेंसी तो है जैसे ही आप इस पे एक मास बढ़ा दोगे, और अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाओगे तो मास बढ़ गया है और बाहर से फोर्स नहीं आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वड है, तो एम इंटू वी कॉन्स्टेंट है, पर मास बढ़ गया है तो वेलोसिटी कम होगी। जैसे ही आप यहाँ मास रखोगे तो नेचुरल टेंडेंसी तो ये होगी कि बेल्ट की वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि पूरा इसका एमवी कांस्टेंट है, क्योंकि इस बेल्ट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई हमने से मोटर से कनेक्ट नहीं किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। तो जब आप इस पे बेल्ट ये रख दोगे, सैंड रखोगे या कन्वेयर बेल्ट एयरपोर्ट वगैरह में जब बात करते हैं, जब उस पर मास रख देते हैं, ब्रीफकेस रख देते हैं, अपना सूटकेस रख देते हैं, तो नेचुरल टेंडेंसी सबसे पहले तो यही आनी चाहिए कि इस सिस्टम का मास बढ़ गया तो फिर वेलोसिटी कम हो जानी चाहिए। और अगर आप वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर सैंड के पार्टिकल और इनके बीच में इनिशियली फ्रिक्शन काम करता है, वो कुछ इंटरनल फोर्सेस के नाम से मान लेते हैं, कुछ इंटरनल फोर्सेस काम कर लेते हैं, और फाइनली ये जो सैंड रखी है ना हमने, सैंड एक्सेलरेट after some time sand particles also start moving with the velocity of belt, matlab sand particles mein acceleration hua, sand particles have been accelerated due to some internal force, wo kya internal force hai uski abhi hum baat nahi kar rahe, aur ye pakka hai ये सैंड के पार्टिकल इस पे रखे जाने के जस्ट बाद को रेस्ट पे थे, इनमें इंटरेक्शन हुआ, फ्रिक्शन है बेसिकली, तो फ्रिक्शन ने सैंड पार्टिकल को एक्सेलरेट किया,
और थोड़ी देर तक जब आप कन्वेयर बेल्ट पे अपना सूटकेस रख देते हैं तो थोड़ी देर तक उसमें हल्का सा रिलेटिव मोशन होता है और फाइनली द सूटकेस कम्स टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, और फिर अब बेल्ट और सूटकेस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते चले जाते हैं। तो क्या हुआ है, ये जो सैंड आया है ये कोई हॉरिजॉन्टल मोमेंटम लाया नहीं है, इसमें मोमेंटम जीरो है, पर इसको मोमेंटम इम्पार्ट करना है। नेचुरल टेंडेंसी तो है इसकी वेलोसिटी कम होने की, क्योंकि मास बड़ा है, मास बड़ा है। सैंड के पार्टिकल जब यहाँ आ रहे हैं तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, और फाइनली सैंड के पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। तो अब हमको यही देखना है कि हम इस पे फोर्स कितना लगा रहे हैं। तो फोर्स जो है वो है डीपी बाई डीटी, वो डीडीटी है, और बेल्ट का मास एम है और इसका मास मान लीजिए इसी इंस्टेंट पे सेंट का मास ऐड हो चुका है वो स्मॉल एम है, तो एम प्लस एम इंटू यू, इस पूरे इसकी भी वेलोसिटी और इसकी भी वेलोसिटी फाइनली यू है। तो मैं जब इसे ओपन करूंगा तो ये डी डी टी ऑफ एम यू हो जाएगा प्लस डी डी टी ऑफ एम यू हो जाएगा। बेल्ट के लिए तो बेल्ट का मास भी कांस्टेंट है और यू भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और ये सैंड का मास है तो जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना है वो है वेलोसिटी, तो हम कांस्टेंट ही मान रहे हैं, सैंड की वेलोसिटी बेल्ट के बराबर मान रहे हैं, तो यू इंटू डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी इज द रेट एट विच द सैंड द मास इज बीइंग इंक्रीज, मास ऑफ द सिस्टम इज बीइंग इंक्रीज। सैंड के यहाँ आने से या कन्वेयर बेल्ट पे आप जब अपना सूटकेस एयरपोर्ट पे रख देते हैं तो सबसे पहले टेंडेंसी होती है बेल्ट की वेलोसिटी कम होना। क्यों? क्योंकि सिस्टम का मास अचानक बढ़ गया है, अचानक मास बढ़ गया है, और अगर बाहर से फोर्स नहीं आया तो फिर उसका एमवी तो कंजर्व है और मास बढ़ गया है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इतना आप फोर्स अगर लगाएंगे जितना इसको जो एडिशनल मास आया है उसको मोमेंटम इम्पार्ट करने के लिए, उसको मोमेंटम इम्पार्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस एडिशनल मास को भी इतनी वेलोसिटी इम्पार्ट करने के लिए, इसके मोमेंटम के चेंज के लिए आपको बेल्ट पे एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स ये। न्यूमेरिकल्स में ये एक जानकारी देते हैं मीटर पर सेकंड में और एक जानकारी देते हैं केजी पर सेकंड में। अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप मीटर पर सेकंड वाली जानकारी को केजी पर सेकंड वाली जानकारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर डायरेक्टली आपका न्यूटन्स में आ जाएगा। वो बोलेगा कि सैंड इज फॉलिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 2 kg/s एंड टू कीप द बेल्ट मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 m/s व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड। तो फोर्स है मीटर पर सेकंड वाली जानकारी को केजी पर सेकंड वाली जानकारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। अब इसमें अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में वो ये भी पूछता है कि ब्रीफ केस जब हमने इस पे रखा, ये तो बात हो गई, कि हमको कितना फोर्स लगाना है। इसमें एक टाइप का सवाल और पूछता है कि कितने टाइम बाद वो जो ब्रीफ केस आपने रखा है या जो सैंड आप एडिशनली डाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। टाइम हमने बताया कि भाई एक्चुअली क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे ब्रीफ केस रख दिया है कन्वेयर बेल्ट पे, मैंने ये जो मास एडिशनल रख दिया है एम, ब्रीफ केस रख दिया है, इनिशियली इनिशियली मैं जमीन से अगर खड़े होकर देख रहा हूँ तो ये तो रेस्ट पे रखा है मैंने, बेल्ट तो चल रही है, पर ये जो मास मैंने धीरे से रख दिया है बेल्ट पे ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, और फाइनली मैं देख रहा हूँ कि ये मास मुझसे दूर जाता जा रहा है, घूम रहा है, तो फाइनली मास तो मोशन में है। इनिशियली ये मास मैं जब बाहर खड़ा हूँ कन्वेयर बेल्ट के और मैं देख रहा हूँ कि मास रेस्ट पे है, तो होता यह है कि बेल्ट का फ्रिक्शन मास को एक्सेलरेट करता है और इस मास का फ्रिक्शन बेल्ट को रिटार्ड करता है। बेल्ट का जो फ्रिक्शन है इस मास को एक्सेलरेट करता है और तभी मास की वेलोसिटी थोड़ी देर बाद बेल्ट के बराबर हो जाती है, और इसका जो फ्रिक्शन है, मास का जो फ्रिक्शन है वो बेल्ट को रिटार्ड करता है। तो बेल्ट पे जो रिटार्डिंग फोर्स आया है इससे फ्रिक्शन के कारण, उतना ही तो आपको एडिशनली बाहर से लगाना पड़ता है।
इसके फ्रिक्शन के कारण बेल्ट पे होता है रिटार्डेशन, और अगर आप चाहते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहे तो जितना फोर्स यहाँ पे इसके एफबीडी में बाहर से आया है उतना फोर्स आप भी एक बाहर से लगा दीजिए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो शुरू में इसमें थोड़ी देर रिलेटिव मोशन होता है क्योंकि बेल्ट की वेलोसिटी है यू और जो सडन मास आपने रखा है इसकी वेलोसिटी है जीरो, और थोड़ी देर बाद फ्रिक्शन के कारण कुछ इंटरनल फोर्सेस के कारण इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। तो अगर आपसे पूछता है कि मास ने बेल्ट के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बिफोर बोथ स्टार्ट मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग ये ले लेते हैं जीरो प्लस बी बाई टू इंटू टी। ये बैग जो रखा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये बैग की फाइनल वेलोसिटी है जो कि बेल्ट के बराबर है, और ये टाइम है आफ्टर विच बोथ स्टार्ट मूविंग टुगेदर। भाई फ्रिक्शन के कारण एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन को अब हम निकालना नहीं चाहेंगे, जो डेटा दिया जाएगा फिर उसके हिसाब से करेंगे, अगर म्यू देता है तो म्यू के हिसाब से कर लेंगे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देता है तो उसके हिसाब से कर लेंगे, वरना जो सबसे कॉमन न्यूमेरिकल में आपको हेल्प मिल जाएगी, सिंपल जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें यह होता है कि पूछता है कि मास हमने रखा, बैग रखा बेल्ट पे, और 3 सेकेंड बाद देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेल्ट एंड द बैग, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैग ऑन द बेल्ट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी टू टाइम, इसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी बैग की वेलोसिटी पहले जीरो थी और बाद में तो ये भी बेल्ट की वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये रिलेशन बनता है। तो दो टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, या तो ये पूछता है ऐसा टाइप का कुछ सवाल, और यह पूछता है मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि बेल्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलती रहे, तो जो आपको फोर्स लगाना है वो है यू इंटू डीएम बाई डी टी। ये सैंड वाले केस में है जहाँ वेरिएबल मास है, या मास बी एडेड इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बैग वाले केस में हो गया जहाँ खैर जब मास दिया ही नहीं है, अगर मास की बातें ही नहीं की, फोर्स की बातें ही नहीं की, टाइम या डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन का मांग रहा है, तो ये फॉर्मूला हमेशा लग जाएगा, चाहे सैंड का केस हो, चाहे डेड वेट एक ऊपर आप रख दें, चाहे वेरिएबल मास हो, चाहे एकदम से रख दें, डिपेंडिंग अपॉन द नोन एंड द अननोन। आप इन दो फॉर्मूलों को बस ध्यान रखिए, इसकी जो पूरा डिस्कशन है वो एक प्रकार से ज्यादा काम का नहीं है, अगर ये आपको क्लियर है, राइट? सो काफी इंपॉर्टेंट केस बनता है वैसे ये न्यूमेरिकल्स के लिहाज से, पर इसके फाइनल कंक्लूजन्स केवल ध्यान रखिए।